स्वागत है आपका इस चैनल पे। मेरा नाम वसीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद वसीम। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो ब्लॉग मैं बनाने जा रहा हूँ, इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ कि कुवैत पहले कैसा था और अब कैसा है। वो आपको कहाँ मिलेगा देखने के लिए, वो कुवैत सिटी में ही मिलेगा देखने के लिए, जो एक बड़े से वॉल में जो बनाया गया है, काफ़ी दूर तक बनाया गया, जो है पेंटिंग, जो उस पेंटिंग में आपको दर्शाया गया कि कुवैत पहले कैसा था और अब कैसा है। तो उस पेंटिंग को जानने के लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो पेंटिंग में क्या है और वो कुवैत के बारे में क्या दर्शा रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और देखिए कुवैत पहले क्या था और अब क्या है। तो दोस्तों, मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये खूबसूरत पेंटिंग किया गया है, इसमें दर्शाया गया कि कुवैत पहले कैसा था और अब कैसा है। तो बहुत ही शानदार, यहाँ पे कैसे लोग रहते थे और कैसे यहाँ का घर रहता था, मिट्टी का बना हुआ रहता था, क्योंकि यहाँ पर गर्म बहुत ज़्यादा रहता था, इसी की वजह से मिट्टी के घर बने रहते थे। देख रहे हैं आंटी खाना बना रही है, इसमें चाचा लोग गप्पे मार रहे हैं। यहाँ पे छोटी लड़कियाँ खेल रही हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कपड़े धो रही हैं कि कुछ सामान किए हैं, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं जो बचपन में भी पहले खेला करते थे। और ये एक चीज़ बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, ये जो पेंटिंग में दर्शाया गया है, इस पेंटिंग में जो लोग पहले के जो कुवैती लोग थे, जो फिशिंग किया करते थे और फिशिंग करके वो दूसरी जगह पर बेचा करते थे, तो इनका मेन वही था जो फिशिंग करो और दूसरी जगह बेचो। देख रहे हैं इसमें दर्शाया गया है पूरे साफ तौर से कि मछली मार रहे हैं यहाँ पर, और ये अपना बोट खुद बनाते थे अपने हाथों से। ये बहुत ही मजबूत हुआ करता था ये, और आज भी ऐसा ये बोट जो है, जो नाव बोलेंगे, वो आज भी है यहाँ पर कुवैत में। ये बहुत पुराना है, जो हम लोग 10 सालों से देखते आ रहे हैं, वैसे का वैसे ही ये पेंटिंग है। इसमें फिनिशिंग होती रहती है, इसमें काम चलता रहता है। ये हो गया पुराना, अब यहाँ से स्टार्ट है नया आपका कुवैत, न्यू कुवैत। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नई वीडियो में मिलेंगे आपको, तब तक के लिए गुड बाय।